में पीडीएम को चिन्ह शिस्ते देने पर आमादा, पीडीएम अख्तर मेंगल के घर मुशावरत करेगी। पाक आर्मी की 8 टीम्स के अलावा 8 इत्तिहादी मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। मुकाबलों का मकसद जिस्मानी और पेशावराना हिकमत अमली की महारत है। को बेतौकीर करने की कोशिश नाकाम हुई, अवामी नेशनल पार्टी सरबराज फनयार वली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला जमहूरियत की जीत है, हुकूमती बदनीयती जाहिर हो चुकी, ऑडियंस से मुल्क नहीं चलाए जा सकते। अटॉर्नी जनरल सेनेट इलेक्शन से मुताबिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद अटॉर्नी जनरल का कहना था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है, इसका खैर मकदम करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात में अदालती राय पर अमल करे, अदालत की बैलेट की सीक्रेसी दायमी ना होने की राय का खैर मकदम किया जाता है। आईन के तहत हो सकता है, शिवली फराज की मंशा के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि अदालती फैसला कहता है कि सेनेट इलेक्शन आईन के मुताबिक होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऑर्डिनेंस भी कलदम हो गया है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद अब सदर मुमलिकत भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम किया जाता है। हुक्मरानों की जिद ने न सिर्फ अदालतों का वक्त तबाह किया बल्कि कौम को भी परेशान किया। इलेक्शन कमीशन के NA 75 के फैसले से भी अपोजिशन के मौकफ की फतह हुई, आईन और कानून के मुताबिक फैसले से मुल्क अब मजबूत और मुस्तहकम होगा। चाहती है फैसले उनकी मंशा के मुताबिक हों। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगु में उनका मजीद कहना था कि अदालतें आजाद हैं, कई फैसले हमारे खिलाफ भी आए हैं। की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर पहले से महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दोनों मुकदमात में हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जबकि अपोजिशन करप्शन चाहती है। इमरान खान तो सियासत में आए ही करप्शन के खात्मे के लिए थे और आज का फैसला उनकी जीत है, क्योंकि इमरान खान ने ना तो कोई सिरे महल बनाने हैं और ना ही फैक्ट्रियां लगानी हैं। PTI सेनेटर का कहना था कि काम तो पार्लियामेंट को करना होता है, लेकिन ये फैसला शफाफियत के लिए जबरदस्त फैसला है। अरकानी सिंध असेंबली को सरगर्मियां महदूद करने का हुक्म, सिंध असेंबली इजलास में कोई भी MQM रुकन शरीक न हुआ, सब कुछ 4 बजे बहादुराबाद मरकज पहुंचने की हिदायत, MPS को महफूज मकाम पर कयाम कराया जाएगा। बंदी के बावजूद सियासी सरगर्मियां जारी हैं। आज से मुल्क भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि यकुम मार्च से मुल्क भर के तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक हफ्ते में 5 रोज तक खुले रहेंगे। दूसरी जानिब सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद से इनकार किया है। कि मुफ्ती इकरामुल्लाह के कत्ल में मुलव्वज़ शाहिदुर रहमान को 24 घंटों में गिरफ्तार किया गया। मजमुई तौर पर मुल्क भर में कोरोना के 38,338 टेस्ट किए गए। ओग्रा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1884.92 रुपए मुकर्रर की गई है। और हार गया, लेकिन अगली बार उन्हें हराने का फैसला कर सकता हूँ, रिपब्लिकन को पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म किया जाएगा। ईरान के इस बयान पर अमेरिका की जानिब से मायूसी का इजहार किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ बामकसद सिफारतकारी के लिए पहले की तरह तैयार है। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी।